गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का इस नेक्स्ट वीडियो में फिर से वेलकम है। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो बहुत एंजॉय किया होगा और जितने मैंने क्वेश्चन समझाए थे आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो आइए उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को भी बहुत एंजॉय करेंगे, देखिएगा आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व कर लिया था और उसकी आंसर शीट आज आपको मिल जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और हमारा यही एम होना चाहिए कि हम जितना अच्छा हो सके उस स्टेटमेंट का मतलब समझ जाए। मींस कहने का ये है कि आपको उस स्टेटमेंट की हिंदी निकालना आना बहुत जरूरी है, ये कंपलसरी है। अगर आप स्टेटमेंट की हिंदी नहीं निकाल पाएंगे तो आप इस स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए फिर हिंदी निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है द सेल रिसीव्ड ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग ए ईयर वाज दिस, नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड बाय इतने, व्हाट वाज द टोटल सेल रिसीव्ड ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस टू ईयर। कह रहा है कि एक कंपनी की एक साल की जो सेल रिसीव्ड है वो ये दी गई। तो यहाँ का स्टेटमेंट क्या बनेगा, द सेल रिसीव्ड, द सेल रिसीव्ड ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग ए ईयर, ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग ए ईयर हो जाएगा। यहां पर आपको इसके बाद ही इसको नहीं लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि ये जो प्लेस है, ये जो जगह है वो किसके लिए है, नंबर्स के लिए। तो आप यहां पर कह लिखेंगे द सेल रिसीव्ड ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग ए ईयर इक्वल, जो नंबर गिवन है उसे नंबर को लिख देंगे एंड नंबर जो दी गई है वो है रुपीज 2095 6480। हो गया। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का मतलब अगले साल, इट इंक्रीज्ड बाय इतनी। नेक्स्ट ईयर में क्या होता है कि पहले जितना था उससे इतना और बढ़ जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम 6 क्वेश्चन की तरह। आगे आपको समझें तो यहां पे क्या आ जाएगा, द सेल रिसीव्ड ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर, सेम वही स्टेटमेंट उतार दीजिएगा और इंक्रीज बाय कह रहा है तो इंक्रीज का मतलब पहले जो लिखा है उसको तो लिखा ही जाएगा और फिर उसके बाद इसमें जो नंबर लिखी है उसको फिर से लिखी जाएगी। नंबर जो दी गई वो है 07590706। हो गया। अब इंक्रीज क्या है, मतलब इतनी बढ़ जाती है, तो इसमें क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। आगे समझ में, बट इस क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। इसमें कह रहे व्हाट वाज द टोटल सेल रिसीव ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दीज टू इयर्स। आपको तुरंत समझ में आ गया होगा क्या निकालना, दोनों सालों का मिलाकर निकालना, मतलब कि इसका और इसका एडिशन हमें फिर से करना होगा और स्टेटमेंट सेम रहेगा। क्या रहेगा, द सेल रिसीव ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग बोथ ईयर्स। यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, बोथ ईयर्स, बोथ ईयर्स, और यहां पर क्या जाएगा, ये वाली नंबर जो होगी और प्लस ये वाली नंबर, इन दोनों को प्लस कर देंगे और वही इसका क्या होगा आंसर। ऐड आपको बहुत अच्छे से आता है, ऐड कर लीजिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से आप रीड कर लीजिए, उसके बाद जो फिर मैं इसको समझा देता हूं। इसमें कह रहा है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज इतनी, टोटल पॉपुलेशन दी गई है तो यहां पर क्या लिख देंगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इक्वल्स, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी कितनी दी गई है, 2875 6304 ये दी गई। एंड कह रहा है कि द नंबर ऑफ मेस, मतलब कि एक पॉपुलेशन, किसी एक शहर की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो इतनी है और उस शहर में जो मेल्स है, जो पुरुषों की संख्या है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मेल्स इन द सिटी, जो नंबर ऑफ मेल्स है वो कितने दिए गए हैं, 169870591 6987059 इतना दिया गया। फिर इसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी।
तो बताना है कि शहर में महिलाओं की संख्या कितनी। बहुत इजी है, ये टोटल पॉपुलेशन है, ये मेल्स की है। अब उसके बाद अगर फीमेल्स की निकालना है तो दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपको वही स्टेटमेंट, नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी इक्वल, और दोनों का सब्ट्रैक्शन, और वही क्या हो जाएगा आंसर। आगे समझ में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, बाय हाउ मच दिस नंबर इज लार्जर देन दिस नंबर। इस क्वेश्चन को मैं छोटा सा एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा, वो आप अपने मन से कर लीजिएगा। एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। तो 9 नंबर का अगर मैं एग्जांपल से लेके समझाना चाहूं तो यहां पर इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो दी हुई नंबर है वो दूसरी दी हुई नंबर से कितनी बड़ी है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब हम दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाए, इसमें दिया ही गया है 1, 3, 2, 4, 6, 5, 1, 0 और 4, 6, 5, 8, 6, 4, 2। ये जो है ये इससे कितनी बड़ी, मतलब ये बड़ी होगी, देख लीजिए, ये देखिए बड़ी है, ठीक। मतलब कि ये जो दी हुई नंबर है तो ये नंबर से ये वाली नंबर कितनी बड़ी है। तो जब ये बड़ी है, अगर इसकी जगह कोई और नंबर सपोज कर लेते, मान लिया 10 है और इसकी जगह सपोज मान लिया 5 है, तो इसको सपोज करके हम कर लेते हैं कि हमको एक मेथड पता चल जाए, वही मेथड हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो जो 10 है वो 5 से कितनी बड़ी है निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 में 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वही आंसर। मतलब कि सेम टू सेम इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में, सिर्फ इसमें सब्ट्रैक्ट करना है आपको, कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, और इसमें भी वही सीधा आंसर हो जाएगा। फिर से भी सीधा है, 10 नंबर ही है, बाय हाउ मच दिस नंबर स्मॉलर देन 1 करोड़, जो दी हुई नंबर है वो 1 करोड़ से कितनी छोटी। तो पहले आप 1 करोड़ लिख लेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 और 1 करोड़। तो 1 करोड़ से वो नंबर कितनी छोटी है, कौन सी नंबर, 9, 7, 9, 7, 8, 3, 4, 6, 5, 9, 7, 8, 3, 4, 6, 5, ये 9, 7, 8, 3, 4, 6, 5, 9, 7, 8, 3, 4, 6, 5, और दोनों को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और वही क्या हो जाएगा आंसर। आगे समझ में। फिर इसके बाद 11 नंबर देख लीजिए, 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू गेट दिस। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सही, इसमें देखिए कह रहा है कि 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,
क्या कि इसकी हिंदी निकाल लीजिए, इस नंबर से कौन सी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। हमको कौन सी नंबर पता है? नहीं पता, वही तो निकालना है। तो जब नहीं पता हो तो उसको हमेशा क्या मान लीजिए, x, x जो हो है एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बस हमको क्या मानना है, एक वेरिएबल मानना है। तो कौन सी नंबर है जो इससे सब्ट्रैक्ट कर दी जाए तो मिल जाए, मिल जाए का मतलब इक्वल, और हमें क्या मिल जाए, 263597, 263597 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे किया जाता है, वेरिएबल आप ध्यान दीजिए, वेरिएबल कभी भी आप निगेटिव नहीं रखेंगे। तो ये जो x है ये इसके पहले माइनस है, तो इस वजह से जो x है वो एक निगेटिव नंबर है। ठीक, अब निगेटिव नंबर है इसको अब आपको प्लस करना पड़ेगा। इसके बारे में और अच्छे से समझिएगा, ये होती है LHS, ये होता है RHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का है और ये राइट हैंड साइड का है। और आपको हमेशा ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में एक साइड में वेरिएबल रहेगा और एक साइड में बाकी कांस्टेंट। ये जो है इनको कांस्टेंट कहेंगे, कांस्टेंट क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इनकी जगह कोई और नंबर नहीं आएगी, बस आएगी इसकी जगह, इसकी जगह। तो आइए अब क्या करते हैं, ये माइनस में है, निगेटिव है, तो इसको वहां पर ले जाते हैं और ऐसे नहीं ले जाते, यहां पर अभी वो जा रहा है, बाकी तो वो यही है ना। ये जब उधर जाएगा तो यहां पर तो कोई, ये तो चला गया उधर, वहां पर कौन था, 263597।
अब ये जो x था ये माइनस का था, जब भी ये अपनी प्लेस को चेंज करते हैं तो अपने साइंस जो इसके साइंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो माइनस का था तो क्या हो जाएगा, प्लस x हो गया। अब वेरिएबल पॉजिटिव हो गया तो अब इस नंबर को हम यहां ट्रांसपोज कर देंगे और इसको ट्रांसपोज करना कहते हैं, ठीक। तो ये जब यहां पर आ जाएगा, ये यही पर था तो पहले से यही पर रहेगा, और इसके जस्ट पहले यहां पर पॉजिटिव है तभी तो इसमें कोई साइन नहीं लगा। तो ये पॉजिटिव है तो जब ये यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 6 3 5 9 6 7 और इक्वल एक्स, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आगे समझ में, ठीक। और फिर सेम इसी तरह 12 नंबर भी है, 12 नंबर को इक्वेशन में बनाया देता हूं, बाकी सॉल्यूशन आप कर लीजिए, मैं हिंदी समझा देता हूं और वही इसका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ट्वेल्थ नंबर में देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज 1075038। कोई दो नंबर को जोड़ने पर हमको ये नंबर मिल रही है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं, इफ वन ऑफ देम, अगर उनमें से एक ये है देन व्हाट इज द अदर नंबर, तो दूसरी नंबर क्या होगी। तो यहां पर देखिए समझिएगा क्या कह रहा है, कोई दो नंबर है उनको जोड़ा, हमको दो नंबर में से एक नंबर पता और एक नंबर नहीं पता, तो एक नंबर हम क्या मान लेंगे, ए मान ले, या तो मानो तो एक्स मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, एक्स माना है तो एक्स भी मान लीजिए, ठीक। अब एक्स मान लिया, अब कह रहा था एक नंबर ये होगी और दूसरी नंबर उन्होंने दे दी, इफ वन ऑफ देम लिखा है ना, अगर उनमें से एक, और कौन सी, 8 9 6 7 5 1 9 8 9 6 7 5 1 9, दो नंबर को जोड़ने पर अगर हमको मिल जाती तो मतलब इक्वल, और इक्वल में क्या लिख दिया जाएगा, 1075038 1075038 हो गया। बस फिर से क्वेश्चन सेटिस्फाई कर लीजिए, द सम ऑफ टू नंबर इज इतना, किसी दो नंबर को जोड़ने पर ये मिलता है, इफ वन ऑफ देम इज दिस देन फाइंड द अदर नंबर एंड व्हाट इज द अदर नंबर। यहां पर x की वैल्यू निकालना है, x को देखिए पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है ये यहां पर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1075038 8 9 6 7 5 1 9, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो ये साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट और नेगेटिव का हो जाएगा। आगे सबको समझ में, तो बस इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा और आज यही तक का क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, इसके आंसर शीट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। इसके बाद की नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।